हेलो हेलो हाल चेक हाल चलिए भाई वो मोबाइल की दुनिया से बाहर आ जाओ। बैग में रख दो, बैग में, जेब में नहीं, बैग में रख दो। सब लोग कीप योर मोबाइल्स इन योर बैग। हाँ चार्जर लगा कितने के अच्छे से एक सेकेंड। हेलो चेक, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है, वीडियो? चलो स्टार्ट करें क्या? चलिए स्टार्ट, बोली भाई स्टार्ट करिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज से आपको वापस से इस चैप्टर के होमवर्क भी मिलने चालू हो जाएंगे। ओके, रेडी हो सब लोग? कल के कॉन्सेप्ट्स याद है? मैंने सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। इस चैप्टर का पूरा जो लिखा है हमने, ये सब कुछ टेलीग्राम पे जा चुका है। अगर आपको चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड करके मोबाइल में सेव करके रख लो। ठीक है, मोबाइल में फोल्डर बनाओ, एफएम के अंडर में चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए तो एसी चाहिए आपको, सफोकेशन हो रहा है। ऑन हो जाएगा। ऑन है क्या? हो जाएगा, तुम बैठ जाओ। चलिए तो let's quickly begin, but before we start लेट मी इनवाइट ऑन स्टेज जो लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। भाई किस चीज का करेक्ट आंसर दिया था अपन ने? क्वेश्चन नंबर 4 था या 7 था? 4th प्रीवियस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए जल्दी जल्दी। और मैंने बोला था आपको शेयर करना पड़ेगा, किसके साथ शेयर करना पड़ेगा बोला था? दोनों आ जाइए, तो शेयरिंग की जरूरत नहीं है, मैंने आपको दो दे रहा हूं, ठीक है? आ जाइए जल्दी आ जाइए, फटाफट फटाफट। क्या नाम है आपको? श्रीनिवास रेवाड़ी। श्री कुमार। अच्छा श्रीनिवास, कहां से हो श्रीनिवास? छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी। ऐसी आंसर देते रहे भाई, ऐसी आंसर देते रहना। यस सर, ठीक है। और ऐसी मैं एक बड़ा गिफ्ट देना चाहूंगा AIR के वक्त, ऑल इंडिया रैंक के लिए, ठीक है? चलिए ये अलग है आपके लिए, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? दानियल खान। हाँ दानियल खान। कहाँ से हो? अमरावती से हो। तो भाई जैसे ये छोटा सा एप्रिसिएशन है, वैसे ही एक AIR चाहिए, ठीक है? बहुत मेहनत करना। चलो यस, कौन सी क्लास है? तुम क्या बोल रहे हो? हाँ गाना कैसे हो सकता है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो एसी ऑन किया पिछले। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, सब लोग ध्यान से सुना। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, वो था 1/MOS = डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DOL = 1/मार्जिन ऑफ सेफ्टी। याद आया? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के केस में ऐसा होता है कि जितना तुम DOL बढ़ाते हो, तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना कम होता है। तो कॉन्सेप्चुअली अगर आपको उसका रीजन चाहिए तो बहुत सिंपल है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू। बट कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर फिर भी मैथमेटिकल रीजन भी बता दो सर, कैसे हो सकता है ये? तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने कल आपको बोला था 20% है, मतलब 0.2 है, तो 1/0.2 करोगे तो आपका DOL आ जाएगा 5 टाइम्स। याद आया आपको? बढ़िया। तो उसी का एक मैथमेटिकल प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं, आपके नोट्स में पेज नंबर 20 पर मैंने आपको जगह दी है, वहां पर 20 पर ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको स्पेस दिया है, जहां पर हम रिलेशनशिप बिटवीन क्या पढ़ रहे हैं? MOS एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। एवरीबॉडी लेट्स रॉक। चलो जान लेते हैं एक बार कि कैसे ये फॉर्मूले आते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक बात बोलो सब लोग ध्यान से, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज पूछूं आपको तो आप क्या बोलोगे? एक मिनट, बोलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज फॉर्मूला। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है आपको, कॉस्टिंग में पढ़ा है, तो बस उसका फॉर्मूला चाहिए अपने को। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में कैसे आता है बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट रहते ना, यहाँ पे ऑनलाइन में दर कमेंट में आंसर आ रहे हो, तुम अभी तक नहीं दे रहे हो यार, क्या सोच रहे हो इतना? पीछे पास करो लड़की। हाँ भाई क्या नहीं, क्या नहीं मतलब, नहीं मतलब क्या है? कच्ची दाबेली बेचने वाले अपन? नहीं मतलब क्या नहीं? हाँ मतलब यहां पर पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ाया है, यहीं पर पढ़ा है। फिर बुलाओ 2 मिनट के लिए डॉन को। मुंह खोल के बोलो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। एंड व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला? टोटल एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो जरा मुझे बताइए कि इसका फॉर्मूला कैनवी से सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100 कर सकते एवरीवन। लिखो मेरे साथ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल्स इनटू 100 बराबर। तो टोटल सेल्स और सेल्स अलग क्या है? अच्छा मैंने ब्रेक इवन सेल, सॉरी, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय आपका सेल्स इनटू 100 बिकॉज ऑलवेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ परसेंटेज ऑफ सेल। क्यों भाई परसेंटेज ऑफ सेल होता है? क्योंकि तुम्हें देखना होता है कि तुम्हारा एक्चुअल सेल कितना परसेंट से नीचे आएगा तो तुम लॉस में जा सकते हो, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ सकते हो बराबर, ब्रेक इवन पर। तो अभी ये तो फॉर्मूला हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। अगर मैं इसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो करूं तो चलेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय पीवी रेशियो। तो फिर उस लॉजिक से आपका एमओएस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा? सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू पीवी रेशियो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एनी प्रॉब्लम? यहां तक का पार्ट समझा? ठीक है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू पीवी रेशियो एंड डिवाइड बाय वापस से पीवी रेशियो। तो कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पीवी रेशियो लिया, मतलब इनटू 1 ही हुआ वो। ठीक है, अब जरा इसको जरा मल्टीप्लाई कर कर देखते क्या होगा। तो ऑब्वियसली इसको हम बोलेंगे सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अब यहां पर जगह थोड़ा सा कम है आपके पास, तो बराबर जगह रहेगा। आप मैनेजमेंट कर रहे हो क्या स्पेस का? बहुत जगह है। ठीक है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस बीईपी सेल्स इंटू पीवी रेशियो, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू पीवी रेशियो। बराबर है कि नहीं? ऑल ऑफ यू मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो क्या सब लोग? ओके, तो आप बताएंगे आप लोग कि आपको आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कैन यू मॉडिफाई दिस एंड मेक इट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो? ऑल ऑफ यू। तो यहां पर मैं जानबूझ के आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ लिख रहा हूं वेयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ये कहां से आया सर? ये पीवी रेशियो के फॉर्मूले से आया। ठीक है, पीवी रेशियो के फॉर्मूले को मॉडिफाई किया पर हमारा फॉर्मूला क्या बना? सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। वी ऑल नो दैट कॉन्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला है। आप सबको बीईपी का फॉर्मूला पता है क्या? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, यूजिंग पीवी रेशियो करना है ऑफकोर्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। जिनका कॉस्टिंग नहीं हुआ है मैं आपको बता देता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पीवी रेशियो भी वहीं पर आता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, विच इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कितना है वो दिखाता है पीवी रेशियो। तो उसी के अंदर फॉर्मूला है दोस्तों, क्या फॉर्मूला है? बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कैन यू मॉडिफाई दिस एंड मेक इट फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इनटू पीवी रेशियो। ऑल ऑफ यू विथ मी? तो आप बताओ अभी कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आपको ये नजर आ रहा है और फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू आपको ये नजर आ रहा है। तो यही तो दो आइटम हमने यूज किए ना दोस्तों। ऊपर देखियो, आपको नजर आ रहा है सेल्स इनटू पीवी रेशियो दिख रहा है मुझे इधर बराबर, ब्रेक इवन पॉइंट इनटू पीवी रेशियो दिख रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेल्स इनटू पीवी रेशियो व्हाट आई कैन राइट? देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो की जगह आई विल राइट कंट्रीब्यूशन माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इनटू पीवी रेशियो की जगह फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। करेक्ट है कि नहीं? तो फिर ऐसे केस में अगर आपका इनकम स्टेटमेंट आप विजुअलाइज करोगे तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या था? EBIT था। ऑल ऑफ यू व्हाट वाज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट? EBIT। तो फिर आई कैन से देयरफॉर MOS इज इक्वल टू, बोलिए, EBIT डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। और DOL का फॉर्मूला क्या था? एग्जैक्टली इसका उल्टा था ना। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर DOL? इसका एग्जैक्ट उल्टा फॉर्मूला था। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर MOS इज इक्वल टू 1/DOL या फिर DOL इज इक्वल टू 1/MOS। हैंस प्रूव्ड। ऑल ऑफ यू मैथमेटिकली समझा क्या? कंसेप्चुअली मैंने आपको बताया था इनवर्स रिलेशनशिप होती है, मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया। आपको एग्जाम में ऑब्वियसली मैथमेटिकली प्रूव नहीं करना है, नहीं करना है। इट वॉज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको पता चलना चाहिए कि वो कैसे आया। एवरीवन क्लियर गाइज? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सभी मैथ्स के दुश्मनों, क्लियर? चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते। आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आओगे। 8th क्वेश्चन पे आ जाना एक बार। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है 8th क्वेश्चन में? पढ़िए एक बार। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 and 2 एंड फाइनेंशियल प्लान A and B। आपके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4000 यूनिट्स का। व्हाट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? टोटल मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 75% ऑफ योर कैपेसिटी। ध्यान दो बेटा इधर। तो 4000 का 75% होता है 3000 यूनिट्स। तो हमने लेवरेज कैलकुलेशंस के लिए 4000 यूनिट्स लेना चाहिए या 3000 यूनिट्स लेना चाहिए? एक मिनट रुको, कितना, किस चीज के लिए? लेवरेज, लेवरेज तो इसको पूछ रहे हो। इतना तो दूर कैसे नजर जाएगी ना, मैं इधर बात कर रहा हूं। लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए, हाँ इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 3000 यूनिट्स रेलेवेंट है हमारे लिए या 4000? 3000, क्योंकि हम लोग हमारे लेवरेज कैलकुलेशंस में लेते हैं सेल्स। हम प्रोडक्शन नहीं लेते, हम सेल्स लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स। प्रोडक्शन कितना कर सकते वो लिया जाता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, हो रहा है। ऑब्वियसली जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही हम लोग बेच पाएंगे। जितना हो सकता है उतना कैसे बेचेंगे? जो एक्चुअली प्रोडक्शन किया उतना ही बेचेंगे ना। सब लोग समझ पा रहे हैं? तो फिर ऐसे केस में यहां पर आएगा 3000 यूनिट्स। इंपॉर्टेंट पार्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 30, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपीज पर यूनिट, एंड इन्होंने बोला है आपका फिक्स कॉस्ट। अब जरा एक काम कीजिए, ये फिक्स कॉस्ट एक्चुअली नीचे के लाइन में आएगा। फिक्स कॉस्ट को अंडरलाइन कर लीजिए, नीचे के लाइन में आना चाहिए था वो। कर लो एक बार करेक्शन। नए नोट से तो थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग में होता है। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 15 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 15 रुपीज। और फिक्स कॉस्ट कितना है? तो दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है। सिचुएशन 1 में 15,000 और सिचुएशन 2 में 20,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझा? तो पॉसिबल फिक्स कॉस्ट कितने हुए? दो। मतलब ऐसा समझ लो हमारे यहां के मॉडल के हिसाब से हमारे पास दो चॉइस है, एक छोटा क्लासरूम या एक बड़ा क्लासरूम रेंट पे लेना है। तो मेरे पास सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 आ गया। एंड लाइकवाइज इन्होंने बोला नीचे फाइनेंशियल प्लान एंड वहां पर दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर, प्लान ए प्लान बी, इक्विटी डेट दोनों भी दिया है। इक्विटी एंड डेट का टोटल दोनों जगह जो है वो 20,000 दिख रहा है आपको, बट 20,000 का कॉम्बिनेशन दोनों जगह अलग है। एक जगह डेट इक्विटी 10,000 है और दूसरी जगह 15,000 and 5,000 है। सर इससे क्या फर्क गिरेगा? सर अल्टीमेटली पैसा तो 20,000 ही है, इंटरेस्ट चेंज होगा ऑल ऑफ यू। तो कैन वी से दो अलग अलग प्लान में दो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट पॉसिबिलिटीज दो, फिक्स कॉस्ट पॉसिबिलिटीज दो, आंसर चार। आंसर चार। चार क्यों आएंगे सर? दो ही आना चाहिए। फिक्स कॉस्ट में दोनों इंटरेस्ट पॉसिबल हो सकते हैं और दूसरे फिक्स कॉस्ट में भी दो इंटरेस्ट पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब मेरा फिक्स कॉस्ट अगर 15,000 है तो उसमें प्लान ए हो सकता है या तो प्लान बी हो सकता है, या तो मेरा फिक्स कॉस्ट 20,000 रहेगा तब भी तो प्लान ए और प्लान बी पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जेपिंग ना? तो फिर ऐसे केस में हमारा आंसर कैसे बनेगा? सिचुएशन के अंडर प्लान आएंगे। अच्छा कैसे समझेगा सर किसके अंडर क्या आता है? इज वेरी सिंपल। आपका इनकम स्टेटमेंट पता है आपको, आपके इनकम स्टेटमेंट में पहले आपको इंटरेस्ट मिलता है या फिक्स कॉस्ट मिलता है? क्या मिलता है? फिक्स कॉस्ट मिलता है। तो फिर फिक्स कॉस्ट अगर पहले मिलता है तो ये पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरेस्ट नीचे आनी चाहिए ना, फिक्स कॉस्ट के अंडर आनी चाहिए ना। आई एम गिविंग यू इनसाइट कैसे फॉर्मेट बन रहा है। सर इंटरेस्ट के अंडर भी तो फिक्स कॉस्ट लिया जा सकता है ना, बिल्कुल सही है, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे। आंसर राइटिंग के वक्त आपको दिक्कत हो सकती है। ऑब्वियसली तुम हेडिंग में पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट लेकर उसके अंडर फिक्स कॉस्ट भी ले सकते हो, बट ऑब्वियसली सॉल्विंग के वक्त आपका थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा आपको, उससे बेटर रहेगा जैसे हमारा फ्लो ऑफ आंसर रहता है ना वैसे ही ध्यान से समझने का। पहले क्या आता है? फिक्स कॉस्ट। तो हेडिंग में रखने का फिक्स कॉस्ट, दोनों फिक्स कॉस्ट हेडिंग में आ गए और उसके अंडर में दो दो इंटरेस्ट आ गए। फर्स्ट प्लान में इंटरेस्ट कितना है? 2,000। सेकेंड प्लान में 1,000। कैसे आया? 10,000 इंटू 20% एंड दूसरे केस में 5,000 इंटू 20%। आर यू गेटिंग? चलिए सॉल्व करें इसको। तो यहां पर आपको जगह दी है, कितने लेवरेजेस पूछे आपको? तीनों निकाल लेते हैं। आप लिख दीजिए इनकम स्टेटमेंट, फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? सेल्स आएगा, श्री क्या पूछ रहे सर? अगर टैक्स नहीं है तो ईबीटी को नेट इनकम मानेंगे क्या? अगर टैक्स नहीं है तो ईबीटी को नेट इनकम मानेंगे क्या? ये अपन ने 2 लेक्चर पहले डिस्कस कर लिया है। अगर इंटरेस्ट भी नहीं है और टैक्स भी नहीं है तो ईबीआईटी को नेट इनकम मानेंगे, ये भी बोल दिया था अपन ने। गुड। तो फिर यहां पर सबसे पहले आएगा सेल्स। विजिबल है क्या? विजिबल है एवरीवन? तो फिर सेल्स फर्स्ट प्लान में, सेल्स एट द रेट कितना लू? एट द रेट 30 रुपीज पर यूनिट। एट द रेट 30 रुपीज पर यूनिट कितना आएगा? 90,000। कौन से कॉलम में आएगा? चारों कॉलम में आएगा। अरे ये डेटा ना सिर्फ इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट के हद तक चेंज होगा, बाकी आइटम्स तो वैसे ही रहेंगे। तो सब जगह लिख दो 90,000, 90,000। बी पार्ट आएगा वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 15 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 15 पर यूनिट। तो सब जगह आ जाएगा 45,000। तो सी पार्ट विल बी कंट्रीब्यूशन। राइट फुल फॉर्म, डोंट राइट शॉर्ट फॉर्म। यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ऑफ नाउ। राइट फुल फॉर्म कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ध्यान सामने होना चाहिए स्क्रीन की तरफ और मेरी तरफ, कोई और चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। ठीक बात, तेरे सामने वाले को बोल रहा हूं। हाँ हाँ क्लियर है। तो ऑब्वियस ही बात है बचा हुआ फिगर क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन। तो ऑब्वियसली सेम आएगा ना आंसर। तो सब जगह कॉपी करके लिख दो 45,000। ठीक बात, लिखा। देन यू हैव योर फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ बी केयरफुल, राइट देयर प्रॉपरली फिक्स्ड कॉस्ट, पूरा लिखना है फिक्स्ड कॉस्ट। ईबीआईटी, ईबीटी, ईएटी, एनआई लिखना अलाउड है, बट ये एफसीवीसी लिखना अलाउड नहीं है। नाउ फिक्स कॉस्ट के तक अगर मैं सिचुएशन वन के अंडर लिख रहा हूं तो ये पहले दो कॉलम में आएगा 15,000 ऑल ऑफ यू, एंड नेक्स्ट दो कॉलम में 20,000। सबको समझा क्या? पहले दो कॉलम में 15,000, लास्ट के दो कॉलम में 20,000। And now you have your EBIT, and that will be C minus D. कितना आएगा 30,000, वापस 30,000। नेक्स्ट केस 25,000 एंड 25,000। सर बराबर है क्या? Sir, what is the prominence of situation 1 and 2? I explained, I guess. I explained you what is exactly the prominence, that is the relevance of situation 1 and 2. That you have two possibilities. You have a bigger classroom or a smaller classroom. I gave you example of academy point of view. अगर आप factory या manufacturing point of view से सोच रहे हो तो एक bigger factory या एक smaller factory हो सकता है. तो fixed cost, there might be two possibilities. क्या भाई, इन्होंने तो आंसर लिखकर भेज दिया। पार्थ, श्री, चलिए सबका आंसर आ गया है। देन एफ पार्ट विल बी इंटरेस्ट एट द रेट 20%, बट ऑब्वियसली ऑन डेट, नॉट ऑन ईबीआईटी। याद है ना, इंटरेस्ट कभी भी ईबीआईटी का परसेंटेज नहीं होता है। तो फिर 20% ऑफ 10,000 इज 2,000, और सेकेंड केस में 20% ऑफ 5,000 इज 1,000, फिर से 2,000 एंड फिर से 1,000। जी पार्ट विल बी EBT, दैट विल बी E minus F, 28,000, 29,000, 23,000, 24,000, 28, 29, 23, 24. सही है क्या? मेरा नहीं, मैं आपका आंसर पूछ रहा हूं। गुड। अब फाइनली आप ईबीटी तक पहुंच चुके हो। इसके नीचे टैक्स वैक्स कुछ है नहीं और सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है सर? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी गिव्स यू ड्यूएल, EBIT अपॉन EBT will give you DFL. तो EBT के नीचे जाने की जरूरत नहीं है। सही है क्या? तो फिर फाइनली H पार्ट, HIN क्या आता है ना, J आता है, HIJ क्या आता है, तो J ले लेंगे। ठीक है, ये तीनों पार्ट में क्या आएगा आपका? तीनों लेवरेजेस आ जाएंगे, बराबर। तो फर्स्ट लेवरेज का फॉर्मूला आप लिखोगे C/E, ऑल ऑफ यू। व्हाट इज दैट? कंट्रीब्यूशन / EBIT। सेकेंड केस में आप DFL का फॉर्मूला लिखोगे E/G, एंड DCL का फॉर्मूला आएगा आपका C/G। या तो h इंटू आई, एक ही बात है। तो फिर फर्स्ट सिनेरियो योर आंसर कम्स टू 1.5 टाइम्स एंड ड्यूअल बोल रहे हो, पहले आप पूरे ड्यूअल बोल रहे हो, आप बोलो 1.5। भाई तो ये 1.5 आया कैसे? 45 डिवाइडेड बाय 30,000, 45,000 डिवाइडेड बाय 30,000। और नेक्स्ट दो कॉलम में 1.8 टाइम्स, क्यों? बिकॉज वहां पर है 45 डिवाइडेड बाय 25, करेक्ट? 45,000 डिवाइडेड बाय 25,000। एनी डाउट? DFL की हद तक आपका आंसर क्या रहेगा? 1.071, 1.034। मगर ये आ कैसे रहा है? तो आपका फर्स्ट केस में 30,000 बाई 28,000, ऑब्वियसली आप एग्जाम में 30 डिवाइडेड बाई 28 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड केस में आपका आंसर 30 डिवाइड बाई 29 आएगा। थर्ड केस में 25 डिवाइड बाई 23 आएगा। कितना आता है वो? 1.0869। एंड लास्ट केस में 25 डिवाइड बाई 24, ठीक है, 1.04। एंड फिर कंबाइंड लेवरेज जो है 1.605, ये 605 करेक्ट है? 606 ले लूंगा, 6065, ठीक है। सेकेंड केस 5, वन। नेक्स्ट केस 1.956, कोई बात नहीं। लास्ट 1.875। ओके, आ गया आंसर सभी का? बोलिए, जम रहा है क्या आंसर? ऑल ऑफ यू जबिंग। अब ये सिचुएशंस और ये प्लान्स थे आपके, ये सिचुएशंस और ये प्लान थे। ये क्वेश्चन नंबर 8 था और आप लोगों को सिर्फ तीनों लेवरेजेस अलग अलग सिचुएशन और प्लान में निकालने थे। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझा कि आपको क्या अलग था इसमें? एक सिंगुलर डेटा नहीं था, अलग अलग पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व सम यूनिक क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू थोड़े हटकर कंसेप्ट पढ़ने। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नाम सुना आपने? ROI कल ही सुना था आपने। ROI फॉर्मूला डिराइव करेंगे क्या आज? ROI का फॉर्मूला डिराइव करेंगे आज, ठीक है। तो इस चैप्टर के एक्स्ट्रा पेज पर चले जाओ, यहां पर concept of ROI। What is long form of ROI? Return on investment, सही है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? बिजनेस में जो फंडिंग लगा है उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। याद रखिए, कभी भी जब आप इन्वेस्टमेंट लेते हो तो लॉन्ग टर्म नेचर का लेते हो। लॉन्ग टर्म नेचर के इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आता है क्या? इज इट लॉन्ग टर्म इन नेचर? यस। आप लोगों के रिजर्व्स लॉन्ग टर्म नेचर के, यस। उसके बाद डेट वालों का पैसा लॉन्ग टर्म नेचर का, डिपेंड्स आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया या लॉन्ग टर्म। चलो, लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म नेचर का है। प्रेफरेंस वालों का पैसा लॉन्ग टर्म नेचर का है, तो बस इनको सबको ऐड करना है। तो क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। आपको याद है लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल ऑफ ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। आप लोगों से कितना पैसा लिया था मैंने उस एग्जाम्पल में? 100 करोड़ रुपया। तो वो 100 करोड़ को हमने क्या बुलाया? कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड उसके कॉम्बिनेशन को कैपिटल स्ट्रक्चर बोला था, याद है? 3:2:2 व्हाटएवर, याद आया? तो ऐसे सिनेरियो में आपके इन्वेस्टमेंट का जो टोटल है वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टोटल है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, बैलेंस शीट की भाषा में, आप कर लो, पहले बात कर लो फिर मैं समझाता हूं, मैं रुक जाता हूं बेटा आपके लिए। तो बैलेंस शीट की भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर मैं पूरी बैलेंस शीट का टोटल में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इन्वेस्टमेंट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स। पूरी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड लिया, बस करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया, मिल गया मुझे लॉन्ग टर्म सोर्सेस का टोटल। डू यू एग्री? क्योंकि शॉर्ट टर्म डेट जो है वो भी तो ऑब्वियसली करंट लायबिलिटी में आता है ना, तो करंट लायबिलिटी बस निकाल दो तो ऊपर जो बचा वो पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म नेचर का ही होता है। आर यू विद मी? इफ आई टेक द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, आई डिडक्ट माई करंट लायबिलिटी, वॉट एवर रिमेनिंग इज नथिंग बट माई लॉन्ग टर्म सोर्सेस का टोटल। डू यू एग्री? तो किसी भी रिटर्न वाले कंसेप्ट का लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। जनरली आपको बहुत सारे रिटर्न सीखने हैं फाइनेंस में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये वो सब। तो रिटर्न्स निकालने के लिए क्या बेस लॉजिक है वो समझा रहा हूं मैं आपको। अगर मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है तो जिस चीज पर हम रिटर्न निकाल रहे हैं उसको हम डिनोमिनेटर में डालेंगे। जिस चीज पर हम रिटर्न निकाल रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में डालेंगे, तो बोलिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट, मतलब ही कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर है ना? यहां पे तुम रिटर्न किस पर निकाल रहे हो? तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पर निकाल रहे हो, तो यहां पर डिनोमिनेटर में आएगा टोटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड। करेक्ट? तो उधर कभी कभी ROI के जगह ROCE भी बोलते हैं। What is ROC? Return on Capital Employed। ठीक है, और जब भी आप रिटर्न निकालते हो तो न्यूमरेटर में उस चीज पर का रिटर्न आता है। तब आप बोलिए आपके पास पूरा इनकम स्टेटमेंट रेडी है। इनकम स्टेटमेंट कहां से शुरू होता है बेटा? सेल्स से। कहां एंड होता है? EPS पर एंड होता है। अब आप बोलो पूरे इन्वेस्टमेंट पर आपने सेल्स कमाया क्या? नहीं। कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया क्या? नहीं। EBIT कमाया क्या? यस। क्या कमाया? EBIT। और अगर मैं बात करूं टू बी मोर प्रिसाइज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये किस फॉर्मूला है? ये कौन सा फॉर्मूला है? ये बिफोर टैक्स वाला। कौन सा वाला फॉर्मूला है? बिफोर टैक्स। दो टाइप है इसमें, एक आफ्टर टैक्स है, एक बिफोर टैक्स है। तो वाई EBIT? ध्यान से सुनो, EBIT में से क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। किसको पे किया? डेट वालों को। क्या ये आपको इन्वेस्टमेंट दे रहे थे लॉन्ग टर्म वाला? यस। तो ऑब्वियसली इनका आय भी तो आएगा। फिर EBT बचा, फिर जिसमें से टैक्स दिया, तो एनीवेज ये तो आप बिफोर टैक्स ही निकाल रहे अपन, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा EAT। EAT में से सपोज पे किया प्रेफरेंस वालों को। EAT में से पे किसको किया? प्रेफरेंस वालों। क्या प्रेफरेंस वालों ने मुझे इन्वेस्टमेंट दिया लॉन्ग टर्म वाला? मेरी फर्म को इन्वेस्टमेंट दिया लॉन्ग टर्म वाला? यस। तो फिर वो भी तो आना चाहिए। और फिर प्रेफरेंस वालों का पैसा जाने के बाद NI बचा। NI इज इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या आप लोगों ने मुझे लॉन्ग टर्म का पैसा दिया? यस। तो फिर आप तीनों पार्टीज का रिटर्न मैं किस में से बांट रहा हूं? EBIT। तो आप तीनों पार्टीज को क्या बिलोंग करता है? EBIT। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फॉर्मूला क्या बना? EBIT डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि वो रिटर्न है तो वो परसेंटेज में है, पर अगर परसेंटेज में है तो ऑब्वियसली इंटू 100 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटू 100। समझ में आया फॉर्मूला? लिखो मत, सुनो अच्छे से अभी। इसी सेम फॉर्मूले को अगर सच में आपको वाकई में समझा है ना तो इसको आफ्टर टैक्स बनाओ। आरओआई ये पहला फॉर्मूला था बिफोर टैक्स, अब हम बना रहे हैं आफ्टर टैक्स। ध्यान से सुनो, इस ईबीआईटी में से टैक्स जाना चाहिए। ध्यान से सुनो, किसी भी चीज को आफ्टर टैक्स अगर बनाना हो तो इसको इंटू 1 माइनस टी करते। क्या करते बोलो? इंटू 1 माइनस टी। सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। किसी भी चीज को आफ्टर टैक्स बनाना होगा तो इंटू 1 माइनस टी क्यों करते हैं सर? क्या लॉजिक है सर? टैक्स का रेट सपोज 30% है, कितना? 30%। तो अगर 1 माइनस 0.3 करेंगे तो कितना बचा बेटा? 0.7। अगर मैं रिटर्न 10% को इंटू 0.7 कर रहा हूं तो मैं 10% को 70% पे ला रहा हूं क्योंकि 30% टैक्स में चला गया। इट्स दैट सिंपल। सबको समझा क्या? किसी भी चीज को आफ्टर टैक्स करना है तो क्या करना चाहिए? इंटू 1 माइनस टैक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर टैक्स। फाइनेंस का रूल बहुत सिंपल है, किसी को आफ्टर टैक्स करना है तो इंटू 1 माइनस टैक्स, किसी को बिफोर टैक्स करना है तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। अरे मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड। समझा कि नहीं? तो आफ्टर टैक्स की जगह बिफोर टैक्स करना है तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। वो भी आज आ जाएगा, डोंट वरी। ये समझा क्या अच्छे से? तो ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब ये आपका सेकेंड फॉर्मूला था। तीसरा फॉर्मूला, ध्यान से सुनो, तीसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये नेटवर्थ क्या होता है पहले याद है क्या? बैलेंस शीट था, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मतलब कौन सा पैसा मालूम है? ऊपर जो बचा वो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। कितने अमाउंट है? 3। पार्टीज कितनी है? पार्टीज लोग कितने? लोग 2 लोग कौन से? इक्विटी वाले लोग और प्रेफरेंस वाले लोग। इन दोनों के पैसों को मिलाया तो उसको बोलते हैं नेटवर्थ। ध्यान से सुनो, आपका फर्स्ट और सेकेंड फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, तीसरा फॉर्मूला आपको डिरिवेशन समझना नहीं है, आपको डिराइव करना है। इस बैच में आप इस उम्मीद से आए थे कि डेरिवेशंस आपको मैं सिखाऊंगा। यस, बिल्कुल सही था, वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, बाद में डेरिवेशन कैसे करते हैं वो आप सीख जाते हो। बोलिए, अभी मैंने आपको बताया लॉजिक नेटवर्थ में क्या आता है। नेटवर्थ में कितने आइटम्स है? 3। बोलो 3 कौन से? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये तीनों आइटम्स में पार्टीज कितनी है? 2। कौन से 2 पार्टीज है? इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। डू यू एग्री? अब आप सोच के बोलो कि ये फॉर्मूला क्या बनना चाहिए। कौन ट्राई करेगा? नया चेहरा आया, माइक पास करो, जल्दी पास करो बेटा। और उसका नहीं आया तो आपको पास होगा, ठीक है, क्योंकि आपका सबसे पहले हाथ ऊपर था। ऑन करो। रिटर्न ऑन नेटवर्थ। मुझे बोलो डिनोमिनेटर में क्या लिखूं बेटा? नेटवर्थ। नेटवर्थ, सब लोग करेक्ट बोल रहे हैं क्या? डिनोमिनेटर में नेटवर्थ आना चाहिए। ओके, इनटू लास्ट में क्या होगा? इनटू 100 होगा। अब बोलो न्यूमरेटर में क्या है? ईबीटी। EBT। श्योर? यस सर। श्योर? यस सर। पक्का? इज शी करेक्ट? बिफोर टैक्स। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रिटर्न ऑन नेट वर्थ बिफोर टैक्स. There is nothing called return on net worth before tax. Return on net worth should always be आफ्टर टैक्स, बिकॉज पार्टीज जो दो थे वो ये लोग थे, इसलिए एनआई आएगा ऊपर। इनको पेमेंट के लिए कौन सा पैसा अवेलेबल रहता है? एनआई, एनआई रहता है। इज ही करेक्ट? एग्जैक्टली, ईएटी आएगा। तो ईएटी, तो ईएटी और एनआई सेम रहेगा ना सर। ये देखो, इसको बोलते हैं बीएमडब्ल्यू सर, प्रेफरेंस शेयर्स के बेसिक में वांदे। हाँ सर, प्रेफरेंस शेयर्स। एनआई और ईएटी सेम नहीं है बेटा। सर प्रेफरेंस शेयर्स रह गया। एनआई इज सबको पे करने के बाद जो बचा। तो अब मैंने प्रेफरेंस वालों को ला लिया है पिक्चर में, तो क्योंकि प्रेफरेंस वाले लोग पिक्चर में हैं, तो ईएटी विल नॉट बी एनआई। ईएटी में से पहले जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर जो बचेगा उसे हम बुलाएंगे एनआई। इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? माइक में बोलो एक बार। ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। कैन आई कॉल इट एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? पीएटी, ईएटी सब एक ही। ओके, सबको समझा क्या? चलो लास्ट चांस, ठीक है? दो बेंच पीछे माइक पास करेंगे आप। हाँ, आपके पास, आपके पास आप। हाँ, और रिटर्न, please don't say any answer, okay? If you know the answer, just raise your hand, okay? Return on, ये देखो पहले सी हाथ, क्या कॉन्फिडेंस है भाई। तो return on equity, return on equity, ROE, ROE नहीं है वो, ROE है। Return on equity, रिटर्न ऑन इक्विटी, बोलिए। कितने लोग? नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इनटू 100। नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इनटू 100, इज शी करेक्ट? आगे पास करो, उसको पास करो। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, नेट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, करेक्ट है क्या? नहीं यार, गड़बड़ क्यों कर रहे हो तुम? और आगे पास करो तुम, बिल्डर। Sir, net income divided by equity into 100. Net income divided by equity. Net profit कहां से आ गया भाई? Net income divided by equity. Very good. तो यहां पर ऑनलाइन में भी सब लोग आंसर दे रहे हैं। So you have denominator में equity. अब आप सोचो, इक्विटी मोला मतलब इक्विटी में कितने आइटम्स आते? दो आइटम्स आते। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, आपके सिलेबस में सब जगह एक्चुअली इक्विटी में तीन आइटम आते। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सब जगह सिलेबस में इक्विटी बोला तो एक्चुअली तीन आइटम आते। इस केस में हम दो आइटम लेते हैं। रिटर्न, जब अपन इक्विटी निकालते हैं तो दो ही आइटम आते, इक्विटी वालों के पैसे। कौन से? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। बट जब डेट टू इक्विटी रेशियो यूज करते जनरली, तो इक्विटी इज प्रिज्यूम टू हैव प्रेफरेंस शेयर्स आल्सो। समझा? फिर इधर क्यों नहीं करते सर ऐसे? अगर इसके साथ में प्रेफरेंस शेयर्स को ऐड कर दूं तो नेटवर्थ बोलते हैं ना उसको। आपको समझा? कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना? पूरे सिलेबस में इक्विटी बोला तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। बट रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए इक्विटी विल इंक्लूड ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सर इधर क्यों नहीं ऐड करते प्रेफरेंस वालों को? अगर इधर प्रेफरेंस वालों को ऐड कर देंगे तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी में कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा। फिर क्लियर है क्या? तो फिर यहां पे आ जाएगा NI डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू 100, NI डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू 100। एक राहुल बोलकर कोई है भाई, इसको ब्लॉक ही कर दिया हमने। ठीक है, हाँ ठीक है, पकड़ तो सही दो। चलो आगे बढ़ते, कुछ आगे नहीं ले। डन, मतलब कंसेप्ट पे ध्यान नहीं है, कमेंटिंग पर ही ध्यान है तो ब्लॉक कर दिया भाई। ठीक है, बेटर रहेगा ना। जो लोग कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं उनको कंसेप्ट पे भी ध्यान देना है भाई। सर इक्विटी में क्या आएगा बोले, इक्विटी में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी आएंगे। बट सिर्फ ये फॉर्मूले के हद तक, सिर्फ ये फॉर्मूले के हद तक रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए इक्विटी में इंक्लूड कर किया जाएगा विदाउट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब दो आइटम, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इज दिस क्लियर? ये आपके रिटर्न्स के लॉजिक हो गए। एक फॉर्मूला है जो हम लोग रेशियो एनालिसिस, ये सब फॉर्मूले रेशियो एनालिसिस में सीखने वाले थे बट यहीं पर सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर मतलब क्या? सेल्स। टर्नओवर मतलब सेल्स। एवरीवन ओके। तो अब एक इसमें कॉन्सेप्ट है टर्नओवर रेशियो में जिसको बोलते हैं एसेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या बोलते हैं बोलो? एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ध्यान से सुनिए, कोई भी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, कोई भी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको बताता है कि वो पर्टिकुलर चीज के सामने कितना सेल हो रहा है, कितना टर्नओवर हो रहा है। ठीक है, क्या बताता है बोलो? वो पर्टिकुलर चीज के सामने कितना सेल हो रहा है। और अगर आपको और कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूले समझने, अगर इंटरेस्ट है कॉन्सेप्चुअली समझने में, तो ध्यान से सुनिए, कोई भी फॉर्मूले को डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर रिलेट करते हैं। फॉर्मूले पढ़ने का तरीका क्या होता है? डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। कोई भी फॉर्मूला, जैसे कि मैंने अभी ऊपर वाले सभी फॉर्मुले जो है वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर रिलेट किए थे कि इन लोगों को बताओ क्या रिटर्न मिल रहा है, फिर उसको इनटू 100 करो बिकॉज परसेंटेज में चाहिए। समझा कि नहीं? वैसे ही टर्नओवर रेशियो आपको क्या बताता है कि पर्टिकुलर चीज के सामने कितना टर्नओवर हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितने टाइम्स का हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये तो आप बना लोगे जो लिखा है स्क्रीन पर, एसेट्स टर्नओवर रेशियो आप बना दोगे फॉर्मूला। मैं आपको दूसरा टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला सिखाता हूं ताकि आप ये बना पाओ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर निकालना है, क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो फिर हमारा फॉर्मूला बनेगा डिनोमिनेटर में वर्किंग कैपिटल, मतलब ही करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और न्यूमिनेटर में आएगा टर्नओवर मतलब सेल्स। तो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा? सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। कैपिटल टर्नओवर रेशियो रहेगा ना, कैपिटल टर्नओवर रेशियो रहेगा ना, तो दैट कैपिटल इज नॉट कैपिटल, इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या रहेगा वो? कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा। तो बोलो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करेगा आपको? बिजनेस में इतना वर्किंग कैपिटल डाल के आपने कितने टाइम्स का सेल किया। वैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्या दिखाएगा? टर्नओवर रेशियो। बिजनेस में इतना कैपिटल एम्प्लॉय लगाकर आपने कितने टाइम्स का सेल किया। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो वैसे ही सेम आप बोलोगे कि एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ऑल ऑफ यू। एंड टोटल एसेट्स मतलब क्या? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ऑफ कोर्स यू विल नॉट इंक्लूड फिक्टिशियस एसेट्स। कॉमन सेंस। कौन से एसेट्स सर? फिक्टिशियस। सर वो क्या होते हैं? फिक्टिशियस मतलब झूठे एसेट्स। सर झूठे एसेट्स कौन से होते हैं? आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो आपको दिख रहा है बैलेंस शीट में, आपका पीएनएल का बैलेंस है मतलब लॉसेस है जो वहां एसेट साइड दिख रहे हैं आपको। ये एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि इनकी मार्केट वैल्यू जीरो है बट फिर भी वो एसेट साइड दिख रहे हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे दिख रहे हैं वैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। आपके कंपनी की भाषा में प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो एसेट साइड दिखते हैं, क्या वो उसे बेचकर आपकी कंपनी पैसा वसूल कर सकती है? तो फिर ऑब्वियस सी बात है ऐसे सिनेरियो में हम बोलेंगे कि ये सब फिक्टिशियस एसेट्स है, तो वो एसेट्स कभी भी टोटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं होते। आर यू विद मी? तो आपको ये एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला भी समझा। अब आपको कॉमन सेंस से पूछता हूं मैं, ये सब रिटर्न वाले रेशियोज जो है डैश प्रेफर्ड होते हैं, लो या हाई। रिटर्न्स वाले रेशियोज ऑब्वियसली हाई होना चाहिए, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो हाई होना चाहिए। वेरी गुड, सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। अब मुझे बताओ कि एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैसा होना चाहिए? क्यों मैडम आपको पसंद नहीं आया क्या? लो क्यों रखना चाहते हो आप इसको? मतलब एक हाई बोला इसलिए दूसरा लो बोल देते। फिर कम इन्वेस्टमेंट रहेगा और ज्यादा सेल्स रहेंगे। थोड़ा 2 मिनट के लिए यहां पर मैथमेटिकली पुटअप कर लो। आप बोल रहे हो डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है, न्यूमिनेटर में बड़ा नंबर है, आंसर तो बड़ा आएगा ना। समझे कि नहीं सब लोग? तो ध्यान से सुनो, आपके इन्वेस्टमेंट्स के सामने मतलब टोटल एसेट्स के सामने जितना ज्यादा सेल रहेगा उतना अच्छा है। अब आप देखो जरा स्क्रीन पे देखो सब लोग, डिनोमिनेटर में छोटा अमाउंट, न्यूमिनेटर में बड़ा अमाउंट। सब लोग इधर ध्यान दो, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है और न्यूमिनेटर में बड़ा नंबर है, तभी आंसर बड़ा आएगा। इतना मैथ तो आता अपने को। तो अब ऑब्वियसली अगर आंसर बड़ा है इसका मतलब सेल्स ज्यादा है, और सेल्स ज्यादा है तो तेरी कंपनी के लिए बेहतर है। सही है कि नहीं? यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्रिटेशन? रेशियोज हमने डिराइव किए, आंसर के इंटरप्रिटेशन भी किए। क्लियर है सबको? चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते। ये लिखना है, लिख लो लिख लो। परचेस्ड गुडविल आपका फिक्टिशियस एसेट नहीं है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। मतलब जब आप बोलते हो बिजनेस का गुडविल है और वो आपने परचेस किया है पैसा देके बकायदा, तो इसका मतलब ही उसका रियलिस्टिक वैल्यू है मार्केट में। वो इनटेंजिबल एसेट है मगर फिक्टिशियस नहीं है। लिख लो। क्या ये सब लिखने बाकी है क्या? कटोरिया भांडे सब लेकर आ जाओ। सर इंटरेस्ट पे टैक्स शील्ड मिलती है ना? सर इंटरेस्ट पर टैक्स शील्ड मिलती है, पीईएटी इंटू 1 माइनस पीडी। ग्रीष्मा जलगम आप क्या बोल रहे हो? उस पर मैं रिटर्न्स वाले लॉजिक पर जब मैं और आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा तब डेफिनेटली हम बात करेंगे। यू आर सेइंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर टैक्स के फॉर्मूले में टैक्स शील्ड का इंपैक्ट होता है ना? प्लीज एक्सप्लेन। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। नील बोल रहे गुडविल जनरेटेड विल बी इंक्लूडेड इन टोटल एसेट्स। वेरी सिंपल लॉजिक, आई विल एक्सप्लेन यू। इनटेंजिबल एसेट्स ढूंढो मत, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब का अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है तो ये सब आपके टोटल एसेट्स में आएंगे। अगर आप झूठे एसेट्स दिखा रहे हो जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं है तो वो नहीं आएंगे। डन. लिखा क्या सबने? ऑल ऑफ यू कम टू 9th क्वेश्चन नाउ. कम टू क्वेश्चन नंबर 9. गुडविल कंसिडर होगा अगर वो रियलिस्टिक वैल्यू रखता है तो. आपके गुडविल कैलकुलेशंस आते हैं ना आपको अकाउंट्स में, तो गुडविल कैलकुलेटेड अगर रहेगी तो ऑब्वियसली उसका वो वैल्यू है, और अगर वो वैल्यू है तो ऑब्वियसली वो भी इंक्लूड होगा टोटल एसेट्स में. टोटल एसेट्स में वो एसेट्स इंक्लूड नहीं होंगे जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है तो वो इंक्लूड नहीं होगा. अदरवाइज you will include goodwill, you will include trademark, patents, copyrights, सब. Surbhi, I have given so many examples of fictitious assets, preliminary expenses, miscellaneous expenses not written off. All these are example of fictitious assets. P&L accounting balance to the asset side of company's balance sheet indicates you undistributed losses, even they are fictitious in nature. पूरे सिलेबस में सर, फिर पूरे सिलेबस में नेटवर्थ और इक्विटी में क्या डिफरेंस हुआ? नेटवर्थ और इक्विटी में पूरे सिलेबस के तक कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स के फॉर्मूले के हद तक आपको डिफरेंशिएट करना है. संजय फॉर यू. चलिए 9th क्वेश्चन पे आ जाओ. टेल मी यू आर कंफर्टेबल विद दिस फॉन्ट या अभी जो लिखा रिटर्न्स वाला वो, ये वाला फॉन्ट ठीक है. चलिए 9th क्वेश्चन. आई वॉन्ट 9th क्वेश्चन में जितना भी आप सॉल्व कर पाओ आप खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है. तो फर्स्ट चीज, कंपनी अ फर्म हैज अ सेल्स ऑफ 75 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट इज 42 lakhs, फिक्स कॉस्ट इज 6 lakhs, इट हैज डेट ऑफ 45 लाख. भाई इधर ध्यान दो, अभी तो अब मैं आगे बाहर भेज दूंगा, ठीक है. डेट ऑफ 45 लाख एट 9%, equity of 55 lakh. What is the firm's ROI? 27. ठीक है, आप निकाल तो जाओ एक एक आंसर. ट्राई करो, मैं आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं. आपको जितना सॉल्व करना है आपके हिसाब से कर लो. कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो नोटबुक में कर लो या पेंसिल से कर लो, बट सॉल्व करना जरूरी है. Does it have favorable financial leverage? इन्होंने पूछा है. Then, if the firm belongs to an industry whose assets turnover ratio is 3 times, does it have a high or low asset leverage? What are the operating, financial and combined leverage? और लास्ट के 2 पार्ट. फर्स्ट आई वॉन्ट कि आपका ऑनेस्ट एफर्ट दो, फिर आगे की बात करेंगे. able to solve the answer? All of you ट्राई किया क्या सबने? चलिए देखते हैं आपका आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं। जहां तक के मैं देख पा रहा हूं तो आंसर्स आ रहे हैं लोगों के, काफी एक्सटेंड तक आ रहे हैं। सर नेटवर्थ में रिजर्व एंड सरप्लस में रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आता ना सर? ऑल काइंड ऑफ रिजर्व आते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलिए अभी फिलहाल के लिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग ध्यान देंगे इधर। सबसे पहले आपने इस केस में इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहिए, तो यहां पर एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहिए था आपने। और इसमें शुरुआत होगी सेल्स 75 लाख। ऑल ऑफ यू माइनस किया जाएगा वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख, मिलेगा कंट्रीब्यूशन कितना 33 लाख, माइनस किया जाएगा फिक्स कॉस्ट 6 लाख, तो 27 लाख आपका बन गया EBIT। और माइनस करना चाहिए इंटरेस्ट 45 लाख पर 9%, कितना आएगा? कितना आएगा? 4,05,000। और बचा हुआ अमाउंट 22,95,000, इसको बुलाएंगे EBT। ऑल ऑफ यू ठीक है। कुछ लोगों ने इनकम स्टेटमेंट के बाद डायरेक्टली DOL, DFL, DCL निकाला। क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों? वो फोर्थ आइटम था ना, अभी बस इसके बाद वो निकालते सर। सिक्वेंशियली जाओ, आंसर उसी सीक्वेंस में सॉल्व करना चाहिए जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा है। आदत डाल दो ये, ठीक है? ध्यान है सबका मेरी तरफ। फर्स्ट चीज बोलिए फर्म का ROI निकालो। अभी एक मिस्टेक हो गया, मैं ROI का कंसेप्ट समझा रहा था तो हेडिंग में ROI लिख दिया, बट वो पहले दो के लिए एप्लीकेबल है। आई होप आपको समझा है कि ये जो ROI हमने लिखा था ये फर्स्ट और सेकेंड के लिए कंसेप्ट ऑफ ROI है, नीचे का ROI नहीं। ऑफकोर्स रिटर्न ऑन नेटवर्थ और रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो कोई टाइप के ROI नहीं है। वो कंसेप्ट ऑफ ROI सिर्फ पहले दो के लिए था। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? चार टाइप के ROI नहीं अपने पास, दो ही टाइप के ROI है। इतना तो समझा ना भाई? ओके। अब ये देखिए ROI का फॉर्मूला क्या है? ROI इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो ऐसे केस में आपका EBIT कितना लेंगे? ऑल ऑफ यू विथ मी 27 लाख लास्ट में करेंगे इनटू 100, बट अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लिया जाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? डेट में 45 लाख है और इक्विटी में 55 लाख है, 1 करोड़ आएगा। ऑल ऑफ यू, सो in that scenario my total investment will be 1 crore. Those who are having confusion write there 45 lakh plus 55 lakhs 45 lakh plus 55 lakh because as I told you investment includes all the long term investments. So now therefore your ROI comes to 27%. Is this correct? Now next part, Second question says, does it have favorable financial leverage? Yes. क्या इस चीज के लिए फाइनेंशियल लेवरेज निकालना पड़ता है? नहीं. क्या करना पड़ता है फिर? इस आरओआई को हमें कंपेयर करना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ. सही है क्या रुचि? तुम्हारा एग्जांपल लिया था ना कल अपन ने, तो आरओआई को कंपेयर करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, और ऑब्वियसली क्या ज्यादा होना चाहिए? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, बराबर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कम चाहिए. मतलब हमारा बोरिंग का कॉस्ट कम चाहिए और हम इन्वेस्ट करके जो रिटर्न्स कमा रहे हैं वो ज्यादा चाहिए, तब जाकर अपन बोले बात बनी है, मतलब फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज. सही है क्या? तो यहां पर हम लिखेंगे सेकेंड पार्ट का आंसर, सिंस ROI इज ग्रेटर देन rate of interest, ROI is greater than rate of interest on debt, the firm has क्या बोलेंगे? The firm has, बात मत करो, ध्यान दो इधर. The firm has favorable DFL. Favorable DFL. एग्जाम में DFL लिखा तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा. तो सेकेंड पार्ट डन है, इतना सा आंसर लिखना था सेकेंड पार्ट के लिए. और चाहिए तो ब्रैकेट में नंबर लिख दो. ROI कितना? 27%. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 9%. 27%. 9% तो क्वेश्चन में प्रिंटेड है. ठीक है. थर्ड पार्ट, इफ फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट्स टर्नओवर इज 3 times. भाई इंडस्ट्री एसेट टर्नओवर इज 3 times, मतलब आपके जो सेम बिजनेस करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जितने एसेट से उसका 3 टाइम का सेल करते हैं, जितने एसेट से उसका 3 टाइम का सेल करते हैं. तो ये लोग बोल रहे हैं डज इट हैव हाई और लो एसेट लेवरेज. डज इट हैव मतलब फर्म, तो उसके लिए तो अपने को पहले फर्म का एसेट्स टर्नओवर निकालना पड़ेगा और उसको आपको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना होगा. निकाले क्या? थर्ड पार्ट, एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय total assets. Assets turnover ratio is equal to sales divided by total assets. Write total assets. Don't write TA. Write total assets. Now, what are your sales? 75 lakhs. And what is your total assets? Total assets. By total assets is equal to total liability. इज इक्वल टू 1 खोखा. 1 करोड़ आएगा ना. टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी. यू नो डेट प्लस इक्विटी का टोटल इज 1 करोड़, तो एसेट्स का टोटल भी 1 करोड़. क्या प्रॉफिट का संबंध है? अगर मैं बोल रहा हूं डेट प्लस इक्विटी, तो इक्विटी में तो रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है ना, और रिजर्व एंड सरप्लस में करंट ईयर का प्रॉफिट भी आ गया. करेक्ट है? समझा कि नहीं? तो टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स. लायबिलिटी कितना? 1 करोड़. एसेट्स कितना? 1 करोड़. तो यहां पर हम लिखेंगे 1 करोड़. और चाहिए तो नीचे लिख दो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1 करोड़. टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1 करोड़. इस 1 करोड़ का आप स्टार मार्क करके लिख सकते हो. टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 करोड़. तो फिर इसका आंसर आया 0.75 times. 0.75 times आंसर आ रहा है. तो आप क्या बोलोगे? मतलब क्या हुआ इसका? तेरे पास एक खोखा है, 1 करोड़ है, इससे तू सेल्स जनरेट कर पा रहा है 75 लाख का। भाई तुझे पता है इंडस्ट्री में किसी और के पास 1 करोड़ होता ना तो वो सेल जनरेट करते 3 करोड़ का, क्योंकि उनका टर्नओवर रेशियो है 3 टाइम्स। तो तुम्हें लेवरेज ज्यादा मिल रहा है या कम? कम मिल रहा है इंडस्ट्री के मुकाबले। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस इंडस्ट्री टर्नओवर एसेट टर्नओवर रेशियो, सिंस इंडस्ट्री एसेट टर्नओवर रेशियो is 3 times and our firm's assets turnover ratio is 0.75 times, comma we have क्या बोलेंगे, we have a low asset leverage। सर अब ये नया कोई लेवरेज है क्या सर? डीओएल डीएफएल डीसीएल सुना था, ये कौन सा लेवरेज है सर? एसेट्स यूज कर कर सेल्स कितने टाइम जनरेट हो रहा है, ये लेवरेज मतलब एडवांटेज बोल रही है। आपने जो 3 टाइप के लेवरेज पढ़े थे वही 3 टाइप ही है, बट ये लेवरेज एक जनरल वर्ड बोलकर यूज किया जा रहा है। किसी एक चीज को यूज कर कर उसका फायदा उठाना उसको लेवरेज बोलते हैं। तो जब बिजनेस में एसेट्स एम्प्लॉय होते हैं ना तो बिजनेस का सेल करने का कैपेसिटी बढ़ता है और उसी को लेवरेज बोल रहे हैं। यहां पर आपके जो 3 लेवरेज है वही अभी भी डीओएल डीएफएल डीसीएल, ये कोई नया लेवरेज नहीं है, ये जनरल वर्ड बोलकर यूज किया लेवरेज। ठीक है क्या? तो फर्म का एसेट लेवरेज कैसा है? लो है, क्योंकि हमारे पास 1 करोड़ है, हम 75 लाख का सेल्स जनरेट कर रहे हैं। इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के पास अगर 1 करोड़ होता तो वो 3 टाइम मतलब 3 करोड़ का सेल्स जनरेट करते। 4th आइटम तो बॉस अभी मैंने बताना भी नहीं चाहिए, आपको पता है इसके आंसर्स। सॉल्व किया क्या आपने? सर यही सॉल्व किया पहले, है ना? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? अच्छा 33 लाख एंड ईबीआईटी 27 लाख। आंसर 1.2222। डीएफएल ईबीआईटी बाय ईबीटी। ईपीएस कैसे मैडम? इंटरेस्ट का इंपैक्ट मेजर कर रहे हो ना आप। 27 लाख डिवाइड बाय 22,95,000, 1.176 times, and lastly, DCL is equal to DOL into DFL, 1.22222 into 1.176 is equal to 1.438 7 times। आया क्या? सब आंसर्स बराबर आया क्या? तीनों लेवरेजेस करेक्ट है क्या? गुड। नाउ फिफ्थ नंबर का आइटम सेज इफ द सेल्स ड्रॉप्स टू ₹50 lakhs what will be the new EBIT? 2 lakhs, 2 lakhs, 6 lakhs, 16 lakhs। तो पहला आंसर है 2 lakhs, दूसरा आंसर है 16 lakhs, 1,80,000, 16 lakhs, 16 lakhs, 16 lakhs, 2 lakhs, इधर 2 lakhs। कहां है आंसर? पक्का 2 lakhs, 16 lakhs, 2 lakhs, अरे जो 2 लाख बोल रहे हैं भाई, तुमने वेरिएबल को भी फिक्स बना दिया है जंपिया लोग। क्या कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट को भी फिक्स कॉस्ट बना दिया। सेल्स कुछ भी कर दो, हम वेरिएबल कॉस्ट उतना ही रखेंगे, मतलब वो फिक्स कॉस्ट हो गया। तो यहां पे लिखोगे आप, इफ सेल्स ड्रॉप्स टू, इफ सेल्स ड्रॉप्स टू ₹50 लाख, तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाए, इनकम स्टेटमेंट बना दे। तो सेल्स 50 लाख माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, पहले वाला वेरिएबल कॉस्ट कितना था 42 लाख डिवाइडेड बाय 75 लाख इंटू 100 करूंगा मैं, तो ये आता है कितना परसेंट, 56%। तो हम बोलेंगे 56%, सेल का 56%। समझा कि नहीं, क्या किया, पिछली बार का वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल लिया, तो ऑब्वियसली हमको समझा कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल 56% है, तो कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, जिसको आप लोग पीवी रेशियो बोलते हो, वो 44% हुआ। सही है कि नहीं, तो पीवी रेशियो आपके फर्म का 44% हुआ इसका मतलब। तो ये 56% आप लगाओगे 50 लाख पर, कितना आएगा 28 लाख, बचा हुआ फिगर कंट्रीब्यूशन कितना 22 लाख, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा कितना 6 लाख, तो मिलेगा 16 लाख का EBIT, 16 लाख का EBIT। डन। ₹16 लाख आना चाहिए EBIT आपका, EBIT 5 लाख आया है, तो सही है क्या, कैसे सही रहेगा रे, यहां पर सॉल्व करके दिखाया है पूरा। Now, if sales drops to 50 lakh, your new EBIT is 16 lakhs. Any doubts? Any confusion? Surely सबका आंसर आ गया, सबको समझ रहा है। Okay, last part. At what level of sales? At what level of sales the EBT of the firm will be equal to 0? क्या बोल रहे हैं ये लोग? ऐसा कौन सा लेवल ऑफ सेल्स है जहां पर ईबीटी आपकी फर्म का 0 बन रहा है? मतलब 0 ईबीटी के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, समझे कि नहीं? रिवर्स कैलकुलेशन करके आगे बढ़ो, और यहां पर क्या होगा दोस्तों, आपको रिवर्स कैलकुलेशन में ईबीटी का फिगर 0 रखकर पीछे जाना है। कर पाएंगे क्या? यहां पर 6th पार्ट का आंसर, इफ ईबीटी इज 0, इफ ईबीटी इज 0, सो इफ ईबीटी इज 0, क्या सेल्स 18 लाख, 22 लाख, 84,000 तुम्हारा 500। ₹24,11,980। और कोई आंसर है? 22,84,000 समथिंग आ रहा है। कोई और आंसर आ रहे हैं क्या किसी के? माइक कहां पर है हमारा? इसको दो, बोल भाई। 52,05,000। 52,05,000। 52,05,000। श्योर? हाँ। बोलिए। ओरिजिनल क्वेश्चन को कैसे कंपेयर कंसिडर करेंगे भाई? ओरिजिनल को किया ना, ऐसा नहीं होता है कभी भी। याद रखिए, आप कॉस्टिंग पढ़ चुके हो, आपको पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट पता है, आपको वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल का रेशियो पता है। जब यहां पर 56% निकल रहा है ना, वो 56% का मीनिंग क्या है पहले बता दो। कॉस्ट को बांटा जा रहा है। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट बेटा? वेरिएबल कॉस्ट वैरीज एज पर आउटपुट। तो अब मेरा 75 लाख का आउटपुट अगर 50 लाख पे आ रहा है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख का 28 लाख पे आएगा ना? नहीं हो सकता ना बेटा। 0.5 तो एक क्वेश्चन हुआ, मैं कंसेप्ट को इग्नोर मत कर। कंसेप्ट बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट वैरीज एज पर आउटपुट। So remember, variable cost is always a percentage of sales. Everyone, ये तो आपने कॉस्टिंग में भी देखा है कि वेरिएबल कॉस्ट वेरीज एज पर आउटपुट। तो यहां पर आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना होगा। यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 56%, therefore contribution will be 44%. और माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट एंड देयरफॉर मिलेगा EBIT, माइनस करेंगे इंटरेस्ट और देयरफॉर मिलेगा EBT। ये EBT मुझे 0 चाहिए। चलिए सब लोग बोलिए। सर 22,84,090 है क्या? 22,84,090। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, करेक्ट है। नंबर्स नहीं याद रहते ना यार। 84,500 बोला आपने, 500 बोला था तुमने, वो चीख के रिपीट भी की थी 500 रुपीज। अच्छा लिखा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, फॉर्मूले से करेंगे तो आंसर राउंड ऑफ में आता है, इससे करोगे तो आंसर राउंड ऑफ में नहीं आता, इसलिए मैं इससे करवा रहा हूं आपको। फॉर्मूला कौन सा बोल रहा है वो भी समझ लीजिए, जो लोग अगर कंफ्यूजन में है। परसेंटेज चेंज वाला मतलब व्हाट ही इज डूइंग इज यूजिंग लेवरेज जो आपने ऊपर निकाला और उसका परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करके आप वो सेल्स बना रहा है। आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, डोंट वरी। पहले ये नॉर्मल आंसर निकाल लो। तो EBT अगर 0 है, इंटरेस्ट कितना आएगा दोस्तों? 4,05,000। क्यों? इंटरेस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। एवरीवन विद मी? इंटरेस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। तो फिर यहां पर आएगा 4,05,000। एवरीवन, तो 4,05,000 को वैसे ही रखते, ठीक है। अब आप बोलो, कॉमन सेंस है, नीचे EBT अगर 0 चाहिए तो EBIT और इंटरेस्ट सेम चाहिए, EBIT भी बन जाएगा 4,05,000। रिवर्स जा रहा हूं मैं, चाहिए तो अपन ऐसा रिवर्स एरो कर देते, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा 4,05,000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? ऑपरेशन का फिक्स कॉस्ट भी सेम रहता है। सो योर ऑपरेशंस फिक्स कॉस्ट विल बी 6 लाख। रिवर्स जाने से EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन। कितना आएगा? 10,05,000। एंड कैन वी से 10,05,000 जो आपका कंट्रीब्यूशन आया वो सेल का 44% है। तो अगर 44% अमाउंट 10,05,000 है तो 100% कितना? 10,05,000 डिवाइडेड बाय 44%, 10.05 लाख डिवाइडेड बाय 44% कितना आएगा? 22,84,090, करेक्ट। एंड इसका 56% ले लो या बैलेंसिंग फिगर ले लो, कितना आएगा? 12,79,090। एवरीवन अंडरस्टूड? कोई डाउट? सबसे सिंपलेस्ट और एक्यूरेट वे ऑफ सॉल्विंग ये है। अब आप लेवरेज के फॉर्मूले डायरेक्टली यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, जब मैं कंसेप्ट पढ़ाना तो प्लीज स्क्रीन से देखकर कॉपी मत करो, मेरे से सुन लो एक्सप्लेनेशन और फिर विदाउट देखे खुद सॉल्व करो। क्या बोला मैंने? रिवर्स जाना है और मैंने बोला कि आपको कुछ आइटम्स सेम रहेंगे तो हम रिवर्स गए आगे। तो बस सेम आपको भी करना है ना, आप खुद सॉल्व करोगे तो और बेहतर समझेगा आपको। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्क्रीन इज फॉर योर रेफरेंस, स्क्रीन इज नॉट समथिंग जो आप ऐसे कंटिन्यूसली देखकर लिखते रहोगे। और ये मैं सिर्फ फेस टू फेस वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो जो रिकॉर्डेड देखते हैं या वो लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ ये बात कि भाई आप लोग जब बैठते हो स्क्रीन के सामने तो वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, बाकी आपको मेरी आवाज सुननी है, कंसेप्ट समझना है और खुद से लिखना है। चलिए आंसर डन। अब सुनो व्हाट ही वाज सेइंग परसेंटेज चेंज वाला लॉजिक। लिखना मत, ठीक है, लिखना मत, कंफ्यूज हो जाओगे। ये अच्छा समझा है आपको। ये लोग बोल रहे हैं एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी जीरो। पहले ऐसे टाइम पर टू डिसाइड कि कौन सा लेवरेज यूज करना है तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो किस पार्ट में जा रहे हैं। ये लोग ऑपरेटिंग लेवरेज में है या फाइनेंशियल में है या कंबाइन में है। ध्यान से सुनो कैसे डिसाइड होता है। इन्होंने बोला एट व्हाट लेवल ऑफ ईबीटी, मतलब ये फाइनेंशियल पार्ट हो गया। सेल्स कितना है ये तो ऑपरेटिंग हो गया, तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों आ गए ना, तो क्या यूज करना पड़ेगा? कंबाइन लेवरेज, ठीक है। तो पहली बात यहां पे यूज होगा DCL। एनी डाउट विद DCL? ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर DCL परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज इन EPS, EPS के जगह मैं EBT बोलूंगा। कैसे सर? अरे EBT के हिसाब से टैक्स वैरी होता है, टैक्स के हिसाब से आपका EAT आता है, EAT से NI, मतलब EAT को ही NI बोला रहे हैं और EPS निकाल रहे हैं। सर ऐसे चलता है क्या? जो चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंटली चेंज होती है ना वो ऑब्वियसली फर्क नहीं गिरता है, जो चीज कांस्टेंट रहती है ना उसकी वजह से फर्क गिरता है। डब्बा पार्टी दे उसको वापस। इधर क्या बैग भर के लेके आती है टिफिन में सब? मतलब वो ध्यान दे रहा है, अच्छा उसका ध्यान है, पड़े ये खाएगा के लड्डू। इतना मम्मी जैसे ख्याल रखेंगे तो कैसे होगा भाई? ऐसा ऐसा मत करो, वो रो लेगा बेचारा। अच्छा पढ़ रहा है, पढ़ने दो, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस के जगह क्या लिखा? ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्या बोलना पड़ेगा? सेल्स। अब डीसीएल कितना निकाला था हमने? 1.4387। सबका ध्यान है क्या बोला? 1.4387 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना होना चाहिए दोस्तों? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना होना चाहिए? 100%। क्यों? कोई भी नंबर जब जीरो बन रहा है तो वो पूरा नंबर से चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वो कितना होगा? 100%। तो यहां पर आएगा 100% चेंज और यहां पे आ जाएगा x। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना आ गया? 69.54%। अब आप बोलिए, कॉमन सेंस यूज कीजिए, सेल्स को आप 69.54 से कम करोगे या बढ़ा दोगे? कम करेंगे। क्यों कम कर रहे हो आप? ईबीटी जीरो बन रहा है, डबल नहीं हो रहा है, ईबीटी जीरो बन रहा है, मतलब ईबीटी कम हो रहा है। अगर ईबीटी को कम करना है तो ऑब्वियसली सेल्स कम हुआ रहेगा, तभी तो ईबीटी कम हुआ ना। सेल्स अगर बढ़े रहेंगे तो ईबीटी डबल होता था। विथ मी एवरीवन? तो फिर ऐसे केस में देयरफॉर न्यू सेल्स इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? 75 lakhs माइनस 69.54%, 22,84,500 आंसर आता है। तो सर करेक्ट कौन सा है? सर 080 और भी करेक्ट, 090 जो था ऊपर वाला वो और भी करेक्ट है, क्योंकि उसमें राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस नहीं है। यहां पर क्या हुआ था, आपने जब ये डीसीएल लिया इसमें राउंड ऑफ हुआ, फिर आपने ये 69.54 बोला रहेगा तो उसमें भी राउंड ऑफ इफेक्ट आ गया, समझे कि नहीं? तो ड्यू टू राउंड ऑफ डिफरेंसेस या आपका 400-500 का डिफरेंस है। आई होप ये भी समझा है आपको। एज एन अल्टरनेटिव लिखना है तो लिख दो, बट कोई जरूरत नहीं है सच। ओनली फॉर ओफू, क्या ओफू? हाँ, एडी, एडी सर बोलते ना। लिखा क्या सबने? समझ में आ रहा है क्या? सन्नाटा क्यों है, समझ रहा है ना? गुड। चलिए, नाउ कमिंग टू अ न्यू कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज वाइल्ड कार्ड एंट्री करेंगे इनका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फाइनली आ चुके हैं लेवरेज में, और हमने आरएनडब्ल्यू जब देखा था, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तब ऑलरेडी इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया था, बट अभी तक लेवरेजेस में नहीं किया था, तो आप लेवरेजेस में करने जा रहे हो। रेडी हो क्या सब लोग? सुनिए अच्छे से। अभी जब प्रेफरेंस शेयर्स आ जाता है तो यहां पर देखो आपके उसी क्वेश्चन के बिल्कुल नीचे जगह दिया है मैंने, प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। उनको देना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। कंपल्सरी है क्या? यस, ऑब्वियसली कंपल्सरी है। क्यों? फिक्स्ड रेट होता है, ठीक है? तो फिर आपका इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? कहां माइनस होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड, टीएटी के बात। क्यों भाई? ईबीआईटी में से माइनस करो ना। अरे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करो, वहीं पर माइनस कर दो प्रेफरेंस। एग्जैक्टली, टैक्स शील्ड। प्रेफरेंस डिविडेंड डू यू थिंक इज टैक्स डिडक्टिबल? यस और नो? नो। व्हाई नॉट? बिकॉज इट इज नॉट पीएनएल डेबिट आइटम, इट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन आइटम। पॉइंट क्लियर है? तो फिर टैक्सेशन के बाद आना चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ईबीआईटी माइनस करेंगे इंटरेस्ट, मिलेगा ईबीटी, माइनस करेंगे टैक्स, मिलेगा ईएटी, अब माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर क्या मिलेगा? एनआई, नेट इनकम। सबका ध्यान मेरी तरफ, नो हेड डाउन, ठीक है एवरीवन? नाउ ऐसे सिनेरियो में जरा 2 मिनट के लिए मैं लिखता। अच्छा, सेल्स से ईबीआईटी तक का कोई चेंज होगा क्या ड्यू टू प्रेफरेंस डिविडेंड? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से ईबीआईटी माइनस होगा इंटरेस्ट, ईबीटी आएगा, लेस करेंगे टैक्स, ईएटी आएगा, माइनस करेंगे पीडी, प्रेफरेंस डिविडेंड, मिल जाएगा एनआई, और फिर मिलेगा हमारा ईपीएस, करेक्ट? विच इज नथिंग बट एनआई डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। अच्छा, यहां पर इक्विटी शेयर्स ही आना जरूरी है क्या ईपीएस में? क्यों भाई? प्रेफरेंस शेयर्स को भी ऐड करो ना। उन्होंने तो ऑलरेडी फिक्स रेट ले लिया है, अब उनका क्या काम? ये जो एनआई बचा ये किसको बिलोंग करता है? सिर्फ इक्विटी वालों को। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स भी सिर्फ इक्विटी के आने चाहिए, सही है कि नहीं? नाउ प्लेसमेंट समझा पहले तो, उसको वहीं पर क्यों प्लेस किया ये समझा। ओके नाउ टेल मी, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से ऑपरेटिंग पार्ट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो डीओएल में कोई बदलाव आना चाहिए क्या? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में नहीं आना चाहिए। ऑपरेटिंग पार्ट ही चेंज नहीं हुआ तो डीओएल क्यों चेंज होगा? और वैसे भी कॉमन सेंस यूज करो, प्रेफरेंस डिविडेंड आप पे कर रहे हो बिकॉज आपने उनसे फाइनेंसिंग लिया है, और अगर फाइनेंसिंग लिया है तो फाइनेंशियल पार्ट चेंज होगा ना, ऑपरेटिंग पार्ट क्यों चेंज होगा? मेरे ऑपरेशन का वेरिएबल कॉस्ट दैट इज मटेरियल लेबर ये थोड़ा ना चेंज होगा, मेरे ऑपरेशन का फिक्स कॉस्ट रेंट सैलरी ये थोड़ा ना चेंज होगा। चेंज होगा मेरा कमिटमेंट बिकॉज ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंशियल पार्ट चेंज होगा, और वो इस तरीके से होगा। क्लियर यहां तक? ओके व्हाट इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर, अच्छा इसकी वजह से आपको दो बातें समझी। पहली बात तो ऑपरेटिंग लेवरेज चेंज नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसके फॉर्मूले भी चेंज नहीं होंगे, मगर फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज दोनों चेंज होगा। सर कंबाइंड क्यों चेंज कर रहे हो? फाइनेंशियल चेंज होगा तो कंबाइंड भी चेंज होगा ना, आई बात समझ में? तो अब डीएफएल का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। अच्छे से समझिए इस बात को, अच्छे से समझिए इस बात को कि ये जो आपका परसेंटेज चेंज आपने लिखा है ये आपका लास्ट पॉइंट EPS और फर्स्ट पॉइंट EBIT को कनेक्ट कर रहा है। इसके बीच जितने भी आइटम आए नहीं आए व्हाटएवर उसका इफेक्ट EPS में आ गया। डू यू एग्री? तो इसका मतलब ये फॉर्मूले को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आंसर ऑटोमेटिकली चेंज होगा विदाउट पीडी विथ पीडी। सर कैसे सर? ईपीएस बदलेगा ना, अगर पीडी नहीं लोगे ईपीएस कुछ और रहेगा, पीडी ले लोगे ईपीएस कुछ और आएगा, फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं है, आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। करेक्ट? तो डीएफएल का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, बीच में जो आ रहा है उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली लास्ट पॉइंट में आ गया है, तो इसीलिए आपको फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कैन वी से दिस फॉर्मूला विल रिमेन सेम फर्स्ट, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? अब सुनिए दूसरा लॉजिक, दूसरा फॉर्मूला क्या था डीएफएल का, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। करेक्ट? अब ये फॉर्मूला क्या बोला था अपने, इंटरेस्ट। तो एक काम करते हैं, कैन वी से EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। अब तक मैंने फॉर्मूला बदला क्या? नहीं बदला, फॉर्मूले का सिर्फ स्टाइल बदला है, फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ है, फॉर्मूला लिखने का स्टाइल चेंज हुआ है बस। अभी भी डिनोमिनेटर क्या है, EBT ही है। आर यू विद मी एवरीवन? पक्का? ओके तो अब सुनो, डेट वाले लोगों का इंटरेस्ट क्यों माइनस किया था? फिक्स कॉस्ट था, कमिटमेंट है भाई आपको, तो इनको भी तो कमिटमेंट है, समझा कि नहीं? तो फिर जैसे इंटरेस्ट माइनस हुआ था वैसे प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होना चाहिए, बिकॉज वो भी एक फिक्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है। एवरीवन, इंटरेस्ट एक फिक्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, उसको तुमने माइनस किया, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक फिक्स कॉस्ट है, फाइनेंस का ही है, उसको भी माइनस करो। एग्रीड? तो फिर माइनस क्या होना चाहिए बोलो, पीडी, प्रेफरेंस डिविडेंड। बट एक प्रॉब्लम, एक दिक्कत है कि ये जो इंटरेस्ट है ना ये टैक्सेशन के पहले होता है, बट ये जो पीडी है ये टैक्सेशन के बाद होता है। उससे क्या फर्क गिरेगा सर? उससे ये फर्क गिरेगा बेटा कि जब तुम यहां पर इंटरेस्ट दोगे इसकी वजह से टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, इनफैक्ट इसकी वजह से टैक्स बचेगा। करेक्ट? बट जब आप इधर पीडी दोगे तो पहले भरना पड़ेगा टैक्स, फिर पीडी आएगा। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इनका कमिटमेंट 10 रुपीज का इंटरेस्ट का अगर रहेगा तो 10 का कमिटमेंट 10 ही है, मुझे कितना कमाना है 10, पे कितना करना है 10, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, टैक्स का लेना देना नहीं है। अगर इनका कमिटमेंट 10 का है पे करने का, तो एक्चुअली मुझे कमाना या मेरा कमिटमेंट 10 का ही है। बट सेम सिनेरियो पीडी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इनका अगर कमिटमेंट 10 का है, अगर मैं 10 कमाऊं तो उधर से आवाज आएगी किसकी, गवर्नमेंट की। बोलेगा ए भाई टैक्स भर, 10 पर कितना भर दिया अपने टैक्स, 30%, कितना बचा 7 रुपया। ये लोग बोलेंगे क्या कर दिया, 10 देने वाले थे 7 ही बचे। रॉन्ग। कमिटमेंट कितने का था 10, कमाना कितना था 10 नहीं 10 से ज्यादा। पहली बात तो समझी क्या कि कमिटमेंट 10 का नहीं है भाई, देना 10 है, कमिटमेंट 10 का नहीं, अपने को ज्यादा कमाना पड़ेगा। अपने को पहले ज्यादा क्यों कमाना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स देने के बाद 10 बचना चाहिए। समझे कि नहीं? तो कैन वी से 10 को बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा। 10 को क्या करना पड़ेगा, बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा। आज ही हमने आफ्टर टैक्स का लॉजिक सीखा। किसी भी चीज को आफ्टर टैक्स करना होगा तो into 1 minus tax. If you want to make anything after tax, just multiply with 1 minus tax. So if you want to make before tax, do opposite. Divided by 1 minus tax. I will explain you the logic also. पहले इधर तक समझा, तो फिर 10 लो कैल्सिपर और divided by 0.7 करो, 14.28 आता है आंसर, बराबर। तो इसका मतलब समझे क्या हुआ, जब पीडी 10 है तो कमिटमेंट 14.28 का है, मुझे मेरी कंपनी को कमाना कितना पड़ेगा 14.28। सर क्यों, कैल्सिफर 14.28 सबके आ गया, सबके कैल्सिफर आया तो 500, आप लोग आया नहीं रहेगा तो निकाल लो, 10 डिवाइडेड बाय 0.7 किया गया, ओके कितना आया 14.28। अब सुनो फर्स्ट बेंच, उधर सुनो अच्छे से, हाँ 14.28 मेरी कंपनी कमाएगी, उधर से आवाज आएगा टैक्स भर, ओके भर देंगे कोई बात नहीं, इनटू 30%, लेस इज इक्वल टू कितना बचा, तो सही हुआ ना। समझे कि नहीं, 14.28 कमाया, उधर से आवाज आई गवर्नमेंट की टैक्स भरो, ओके ठीक है टैक्स इस पे 14.28 पे 30% ले लो, 4.28 का टैक्स आया, लेस इज इक्वल टू करेंगे तो 10 रुपीज आपको पेएबल था, पेएबल आ गया। तो एक्चुअली आई वॉज प्रूविंग यू वन थिंग कि जैसे इंटरेस्ट है 10 देना है तो कमिटमेंट भी 10 का ही है। सपोज चलो फॉर एग्जांपल 10 देना है, इनका 2 मिनट के लिए भूल जाओ सीन कि इनको कुछ देना है, आप बोलो आपको अगर 10 देना है, मैं सिर्फ 10 कमाऊं चलेगा क्या, यस और नो, ऑब्वियसली यस चलेगा। क्यों चलेगा सर, क्योंकि 10 इनको दे दूंगा तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0 आएगा, गवर्नमेंट बोलेगा टैक्स भर, मैं बोलूंगा इनकम ही नहीं है, काय का टैक्स, तो 0 ईबीटी पर टैक्स भी 0। बट पीडी के केस में ऐसा नहीं होता है। पीडी के केस में, प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में, अगर 10 प्रेफरेंस डिविडेंड को देना है, मैं कमाऊंगा अगर 10, गवर्नमेंट बोलेगा पहले भर टैक्स, 10 में से 30 गया मतलब 3 गया, 30% गया मतलब 3 गया, बचा कितना 7, देना कितना था 10, गड़बड़ हो गया ना। तो व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड इज, यहां का 10 का कमिटमेंट 10 का ही है, बट यहां का 10 का कमिटमेंट 10 को बिफोर टैक्स करने के बाद आने वाला है, और इसीलिए मैं पीडी को डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी करता हूं। ठीक है सर, ये बढ़िया समझा सर, बट मैथमेटिकली वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। सपोज 1 रुपया आपकी कमाई है, 30% मतलब 0.3 चला गया टैक्स में, आफ्टर टैक्स कितना बचा, ठीक है 2 मिनट के लिए मैं इधर रफ वर्क बोल के लिख रहा हूं, इतना तो मत लिखो, ये बच मतलब एकदम इजी कैलकुलेशन, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स 1 रुपया है, टैक्स 0.3 है, अर्निंग आफ्टर टैक्स 0.7 है, इसी में से जाने वाला है ना पीडी, करेक्ट है ना, इसी में से जाने वाला है ना पीडी। तो आई डोंट, मतलब ये मेरा रियल सेंस में ईएटी नहीं है, मेरे ईएटी के सामने मुझे मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट रखना है, कितने का 10 रुपए क्या, और मैं बोल रहा हूं 10 रुपया अगर 70% है तो बताओ 100% कितना है। सो वी आर मेकिंग दैट पीडी बिफोर टैक्स, और इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा सोच लो, तो 10 into 1 divided by 0.7 ऐसा हो रहा है वो, समझे कि नहीं सब लोग? वी आर मेकिंग इट बिफोर टैक्स। तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स बनाने के लिए उसको डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स कर रहे हो। तो सर एक काम करो 0.7 ही बोला करो सर, पीडी डिवाइड बाय 0.7। फिर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टैक्स रेट इज 45%, 1 माइनस टी, पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। आर यू क्लियर? सबको समझा? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो फिर डीएफएल का फॉर्मूला क्या बना? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी upon 1 minus t. Sir, can we write that EBIT divided by EBT minus PD upon 1 minus t? Obviously yes. Obviously yes. फिर ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर? ये तो बड़ा फॉर्मूला बन गया। इसलिए बोला बेटा ये ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एग्जाम में आपको डीएफएल देते हैं ये लोग। क्या देते हैं एग्जाम में? क्या देते हैं? डीएफएल। और आपको इंटरेस्ट का अमाउंट देते हैं ये लोग। क्या देते हैं? इंटरेस्ट का अमाउंट। Oh no. आज का लिखा हुआ पूरा गायब हो गया। ऑटो बैकअप ऑफ क्यों हो गया भाई? नहीं ऑफ ऑन गूगल ड्राइव। कंटिन्यू। हे भगवान, वन ड्राइव लॉग इन टू माइक्रोसॉफ्ट, क्या करने का भी। बुक में लिखा था क्या? फिर तो बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अब आप बताएंगे सब लोग कि ये जो EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स है, इसको EBT डिनोमिनेटर में, EBIT न्यूमेरेटर में EBIT आएगा, डिनोमिनेटर में EBT माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे क्यों लिखेंगे? क्वेश्चन में आपको डीएफएल देंगे वो लोग, इंटरेस्ट अमाउंट देंगे, डीएफएल देंगे, इंटरेस्ट अमाउंट देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट देंगे और टैक्स का रेट देंगे और आपको ढूंढना होगा ईबीआईटी। समझ में आया? मतलब दे विल गिव यू डीएफएल, दे विल गिव यू इंटरेस्ट, पीडी, टैक्स रेट। क्या बचा अभी? ईबीआईटी। तो ईबीआईटी ऑब्वियसली कैसे मिलेगा हमको? बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया? इसलिए हम फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं। अगर एग्जाम में आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल है और सिर्फ डीएफएल निकालना है तो ऑब्वियसली आप ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट डीसीएल फ्रेंड्स? डीसीएल के भी 3 फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डू यू थिंक ये फॉर्मूला बदलेगा? सेम रहेगा। क्यों? वापस से लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट जोड़ दिया, बीच में जो भी आइटम आया उसका इंपैक्ट लास्ट में आ चुका है। समझा? फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं है। आंसर विदाउट पीडी विद पीडी इसी फॉर्मूले से अलग अलग आएगा। क्या बोला? समझा? फिर से वो रिपीट कर रहा हूं, अगर आप फॉर्मूला यही रखोगे, एक में पीडी लोगे, दूसरे में पीडी का अमाउंट नहीं लोगे, दोनों जगह ईपीएस तो अलग आएगा, ऑटोमेटिकली आपका आंसर दोनों जगह भी अलग आएगा। फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकेंड वाला फॉर्मूला था आपका डीसीएल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी था ना, ईबीटी तो ऊपर भी तो ईबीटी था, ऊपर आपने डीएफएल में न्यूमरेटर चेंज किया गया नहीं, तो इधर भी न्यूमरेटर कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। ऊपर डिनोमिनेटर क्या था, ईबीटी था ओरिजिनली, जिसको आपने क्या बनाया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन वन माइनस टैक्स। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी डिवाइडेड बाय वन माइनस टैक्स एवरीबॉडी। और थर्ड फॉर्मूला था DCL इज इक्वल टू DOL इंटू DFL। डू यू थिंक फॉर्मूला बदलेगा? नहीं बदलेगा, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। विथ पीडी विदाउट पीडी आंसर ऑटोमेटिकली चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन DFL। समझा कि नहीं? DFL बदलने से ऑटोमेटिकली DCL बदल जाएगा, फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं है। लिख लो। प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड के वहां पर लिखो, पेज नंबर 31। ये वाला पार्ट भी लिखना है शायद आपको ना, वो भी देख के लिखोगे मतलब आप। यस सर, है थैंक यू सो मच जो ऑनलाइन में कमेंट्स कर रहे हैं अच्छे अच्छे मेरे पढ़ाने के बारे में। बट लिख भी लो और ज़बरदस्त तरीके से स्कोर करना है भाई आपको। एग्जाम्पल बनना है, ठीक है? और यहाँ पर बुक्स का क्वेरी आ रहा है, बुक्स मिल जाएगी बेटा आपको 1-2 दिन में। आपके पास पूरे बुक का सॉफ्ट कॉपी भेज दिया, आप डरो मत, बुक मिल जाएगा आपको। ऑलरेडी कुरियर सब जगह से डिस्पैच हो चुके हैं, जहां पर भी ऑर्डर्स मेरे आते हैं इंडिया भर में सब जगह से डिस्पैच हो चुके हैं ऑर्डर्स। कोई भी ऑर्डर अभी पेंडिंग नहीं है। यूट्यूब पर ही रहेंगे ये लेक्चर्स विजय, ये लेक्चर्स को हम डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है? यूट्यूब पर ही रहेंगे, तो आप इसका मतलब ये नहीं आराम से देख लोगे, आप रिवाइज करना रहेगा तो रिवाइज कर लेना। स्क्रीन इज फॉर योर रेफरेंस, सो प्लीज डोंट लुक एट द स्क्रीन कंटिन्यूअस बेसिस। ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स, देन कंफर्म इट वेदर यू हैव रिटन इट करेक्ट और नॉट। यस बेटा साक्षी, एफएम में प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर सब कुछ। बाय द वे, विनोद सर ने जो टेस्ट आपके लिए थे और आपने दिए रहेंगे अगर, तो सेकंड टेस्ट भी चेक होकर आ चुका है, ले लिया? वेरी गुड। टेलीग्राम ग्रुप पर सर ने डाल दिया था वैसे, बट फिर भी जिन्होंने नहीं कलेक्ट किया रहेगा और पेपर दिया रहेगा वो लोग जाके पेपर कलेक्ट कर लो। अगर आप 20 मार्च से बाय करते हो तो आपके पास सीरियल की का बहुत इजी ऑप्शन है, आप उनके ऑनलाइन पोर्टल में लॉगिन करके एक्सट्रैक्ट सीरियल की कर लेना। ये सब मैं फेस टू फेस वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं GDPD वालों के लिए बोल रहा हूँ, फेस टू फेस के लिए नहीं है ये ऑप्शन। गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के लिए ऑप्शन है। फेस टू फेस मेरे हाथ में है। वी स्मार्ट से अगर बाय किया रहेगा आपने तो आपको वी स्मार्ट के ऑनलाइन लॉगिन पोर्टल से एक्सट्रैक्ट करना होगा सीरियल की, और फिर मेरा ऐप इंस्टॉल करना होगा प्रशांत सारडा ऐप, और वहां पर आपको एक्टिवेट करना होगा उस की को। आ रहा है वो, बहुत बल्क है ना, बहुत बड़ा वॉल्यूम है ना फेस टू फेस का, तो वो हैंग हो गया हमारा सिस्टम। बल्क मेल डाल दिया तो हैंग हो गया, तो 1 by 1 सेंड हो रहा है आज ऑफिस से। चलो एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलो अभी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर, पहले तो होमवर्क ले लो आज का। क्वेश्चन नंबर 14, आई विल राइट योर होमवर्क हियर। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 16, एंड क्वेश्चन 17। Question 14, 16, 17, these are your home exercise questions. 3 questions को solve करने के लिए आपको hardly 15 minutes लगेंगे, max to max 20-25 minutes, max to max। तो आज ही के दिन ये अच्छे से solve करोगे आप, और बहुत easy है, आपको आराम से आ जाएंगे, nothing to worry at all। ठीक है, आसान है, आसान है, आसान है। बट ये जो आपको सॉल्व करने बोला ये आपका होमवर्क हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन जो है ना, अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। मैंने पूछा नहीं, मैंने बताया आपको कि अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नहीं करना है, नहीं करना है, रिवीजन करते हैं। बुक बंद करो, बुक बंद करो, सब लोग बुक बंद करो, जल्दी जल्दी बुक बंद करो। और ध्यान दो इधर, अभी कोई भी स्क्रीन की तरफ वगैरह, स्क्रीन तो ब्लैंक ही है वैसे भी। तो नोट किया होमवर्क, ओके। अब फटाफट इस पूरे अभी तक के सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे हम लोग और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर जा रहा हूं मैं, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर आपके पास डिस्काउंटिंग में कितने टाइप के कैश फ्लोज थे? 3 टाइप के थे, सिंगल, मल्टीपल, एन्युटी। सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू PVFR, N, ठीक है। मल्टीपल कैश फ्लो फॉर्मूला सेम, 4 कॉलम का फॉर्मेट, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, DCF। DCF इज प्रेजेंट वैल्यू, जिसका लॉन्ग फॉर्म है तो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और उसको निकालने के लिए 2 कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है। कैश फ्लो जो कि फ्यूचर वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय DF विच इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। करेक्ट, सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तीसरा आता है एन्युटी कैश फ्लो, जिसमें 2 टाइप है, एक है फाइनाइट और एक है इनफाइनाइट। फाइनाइट एन्युटी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू PVAFR, N। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यूज होता है वहां पर, करेक्ट। अब आते हैं इनफाइनाइट पर, तो यहां पर भी 2 टाइप थे आपके पास। पहला था विदाउट ग्रोथ और दूसरा था विद ग्रोथ। विदाउट ग्रोथ रहेगा तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू A/R। विद ग्रोथ में ग्रोथ ऐड नहीं करते, ग्रोथ लेस करते। फॉर्मूला बनेगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू A/R - G। वेरी गुड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म। अब आते हैं हम लोग लेवरेज। 3 टाइप लेवरेजेस होते हैं। पहला ऑपरेटिंग, टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, दैट इज फिक्स कॉस्ट। कौन सा फिक्स कॉस्ट? जो कंट्रीब्यूशन के बाद आता है, बराबर। ऑपरेटिंग पार्ट याद है, सेल्स में से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट, मिलेगा कंट्रीब्यूशन, माइनस होगा फिक्स कॉस्ट, मिलेगा ईबीआईटी। परफेक्ट। हम जब ऑपरेटिंग का लेवरेज बोलते हैं, वी वांट टू इंक्रीज आवर डैश एंड देयर बाय हैव मोर इंक्रीज इन डैश, वी वांट टू इंक्रीज आवर सेल्स एंड देयर बाय हैव मोर इंक्रीज इन, वेरी गुड, ईबीआईटी, वंडरफुल। तो फिर ऐसे केस में ये इंपैक्ट, ये जो आप बोल रहे हो कि सेल्स बढ़ाना है उससे ज्यादा ईबीआईटी बढ़ेगा, किस रीजन से बढ़ेगा? फिक्स कॉस्ट की वजह से। तो दो फॉर्मूले याद आ रहे, चलो परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। याद रखिए लेवरेजेस कभी भी 1 से ज्यादा होंगे तो न्यूमरेटर में वही नंबर आएगा जो ज्यादा का रहेगा। अभी अभी आपने बोला कि ईबीआईटी ज्यादा बदलेगा तो ईबीआईटी परसेंटेज चेंज न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन सेल्स आएगा। सेकंड फॉर्मूला नॉर्मल वाला, फिक्स कॉस्ट के पहले डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट के बाद, फॉर्मूला विल बी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआई। तीसरा फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डीओएल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको कॉन्सेप्चुअली अपन ने कल देखा था और आज मैथमेटिकली डिराइव भी कर लिया। याद आया? अब आते हैं डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। बोलिए कितने फॉर्मूले थे? 3। कैसे 3? देखो परसेंटेज चेंज बोलो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, वेरी गुड। नॉर्मल वाला बोलो, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, इंटरेस्ट के पहले इंटरेस्ट के बाद। अब तीसरा वाला विथ पीडी, विथ पीडी जो आज देखा अपन ने, बोलो फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स, वंडरफुल, बहुत सही। अब आते हैं कंबाइंड लेवरेज पर, इसके भी कितने फॉर्मूलेज है? 3, बट अब आज के साथ 4 आ जाते हैं, आज के फॉर्मूलेज के साथ 4। आज आप फॉर्मूला बुक में 2 फॉर्मूलेज अपडेट करोगे, कल का एक अपडेट किया रहेगा डीओएल का आपने, आज 2 अपडेट करोगे विथ पीडी वाले, ठीक है, एक डीएफएल का और एक डीसीएल का। चलो डीसीएल का नॉर्मल फॉर्मूला बोलो, परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स डायरेक्टली। दूसरा फॉर्मूला सिंगुलर डेटा वाला, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीटी, करेक्ट। फाइनेंशियल पार्ट के अंदर जाना है ना, तो ईबीटी, ईबीआईटी क्यों बोल रहे हो कुछ लोग, ईबीटी बोलो ना, यस, इंटरेस्ट के बाद। याद आया? अब विथ पीडी रहेगा तो डीसीएल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, डू योर होमवर्क, सी यू टुमारो। अरे आरओआई के भी फॉर्मुलेज अपडेट कर दो, आरओआई और एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये फॉर्मुलेज भी अपडेट कर देना एवरीवन। सुन आपने जो ये फिगर डाला था वो आपने सेल्स से वेरिएबल का कैलकुलेट करके तो मैंने ये दूसरे मेथड से किया था, जैसे 75 लाख से 50 लाख होगा तो ये 33.33% से चेंज हुआ, सेम उसमें फिर मैंने वेरिएबल कॉस्ट का भी 33.33% लेस करके 50 है तो वो आंसर सेम है। तो वो ऐसा वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही तो कर रही थी बात। मैंने जब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ लेवरेज समझाया था तुमको, सेम चीज, हाँ, जब मैं सेल बढ़ाऊंगा 10% से, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ेगा, हेलो, तो घटाने के ऊपर भी मैंने ना ये